नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि नवरात्रि पर्व चल रहा है और आज है दशमी यानी है दशहरा। दशहरा के दिन राम दरबार के साथ साथ शमी वृक्ष का पूजन होता है। जहाँ शमी बड़े वृक्ष हों उनका पूजन करने का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन सभी के घर में शमी वृक्ष मतलब बड़े नहीं पाए जाते हैं तो गमला में लगा लेते हैं। जैसे मैं देखो गमला में लगाई हूँ, ये शमी छोटा सा पौधा है, वृक्ष तो नहीं है। जो शमी फूलने लगे, फूल देने लगे, उसको वृक्ष मानते हैं कि वो बड़ा हो गया है, अभी ये छोटा है। और आप देखोगे कि शमी की जो पत्तियां हैं ये सिकुड़ी हुई हैं। आप देखोगे जिनके यहाँ भी शमी होंगे वो ध्यान से देखें तो शाम को सूर्य डूबने के बाद शमी की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, और जब धूप जब तक रहती है तो खिल जाती हैं। तो ये संध्या पूजन दिखा रही हूँ कि संध्या को पूजन होता है शमी जी का दशमी के दिन, और ये इनका पूजन भगवान श्री रामचंद्र जी भी किए थे और विजय श्री का आशीर्वाद शमी देवता से मांगे थे। और महाभारत काल में जब 12 वर्षों का वनवास हुआ था पांचों पांडवों को, तो अज्ञातवास एक वर्ष के लिए अपना जो अस्त्र शस्त्र था, दिव्य अस्त्र शस्त्र अर्जुन के और पांचों भाइयों के, तो इसी शमी वृक्ष में मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके छुपा दिए थे। यानी वृक्ष में ही था लेकिन वो किसी को दिखता नहीं था, तो इनके संरक्षण में रख दिए थे। प्रार्थना किए थे कि हम साल भर के बाद आएंगे तो इनको हम वापस ले जाएंगे, तो सुरक्षित रखे थे। इसीलिए शस्त्र पूजा भी आज के दिन होती है क्योंकि शस्त्र की सुरक्षा किए थे। और ये शमी जो ये पौधा है, वृक्ष है, इनका जो पुष्प है वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। फूल ना हो तो पत्र भी चढ़ाया जाता है। तो चलिए आपको मैं शमी पूजन करके दिखाती हूँ। और जो आप ये शोर शराबा सुन रहे हैं तो यहाँ दुर्गा देवी बैठी हैं, तो देवी गीत बज रहा है, तो हम सोचा कि शाम को कम होगा लेकिन नहीं, बज ही रहा है, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो शमी का पौधा जहाँ भी रखें वहाँ पूर्णतः शुद्धता होनी चाहिए। शनिवार के दिन जैसे पीपल वृक्ष महाराज का पूजन होता है, वैसे शनि का भी पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और दूध से भी इनको सींच सकते हैं। तो ये शमी का पौधा, क्योंकि ज़मीन हर जगह नहीं उपलब्ध रहती है, शमी का पौधा सभी अपने घर में रख सकते हैं। तो जब आप घर से बाहर निकलो तो आपके हाथ के दाहिने तरफ शमी का पौधा होना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन में रखो। अगर आपको छत पर भी रखना है तो जैसे आप दाहिने तरफ भी जैसे निकलोगे तो छत के ऊपर भी दाहिने तरफ भी शमी का पौधा होना चाहिए। तो पहले इनको जल से स्नान कराएं, जल से ऊपर से स्नान कराएं। ओम शमी देवताय नमो, ओम शमी देवताय नमो, ओम शमी देवताय नमो। तो हम जल डाल दिए। अब ये गाय का कच्चा दूध है तो इससे भी जड़ को सींचें। ओम शमी वृक्षाय नमो, ओम शमी वृक्षाय नमो, ओम शमी वृक्षाय नमो, ओम शमी वृक्षाय नमो, ओम शमी वृक्षाय नमो। ऐसे ऊपर से जब हम डालते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्नान कराना, स्नान कराना। स्नान हो गया, इस जल में गंगा जल भी मिश्रित है। दूध से स्नान कराने के बाद फिर से हम गंगा जल से स्नान कराएंगे भगवान जी को। ओम शमी वृक्षाय नमो, ओम शमी वृक्षाय नमो, ओम शमी वृक्षाय नमो, ओम शमी देवताय नमो, ओम शमी देवताय नमो, ओम शमी देवताय नमो। इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, फिर हाथ को धो लें जल से। तो ये देखिए आज दशमी के दिन 10 दीप दान कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे करें। आप देखोगे सभी दीपों में जोड़ा बत्ती है। जोड़ा बत्ती मैं हमेशा जोड़ा बत्ती बना के दोनों एक कर देती हूँ, लेकिन इसमें दोनों बत्तियाँ अलग अलग हैं। आप ध्यान से देखोगे ये ऐसे दीपक में और ऐसे आगे भी है। तो इस तरीके से करके जब हम दीप दान करते हैं उसके बाद से ही पूजा शुरू हो जाती है। तिल का तेल शनि जी को बहुत ही प्रिय है। ये आप ध्यान दें कि जब आप दीप रखें तो ये पौधे पर न पड़े, बाहर रहे। और दीप दान का जो नियम होता है वो आप जान लें कि दीप हमेशा साधक की तरफ होता है उसका लव, न कि देवता की तरफ। तो इसी तरह से दीप मालिका को सजाएं दशमी के दिन, और भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे विजय प्राप्त किए, बुराई पर अच्छाई का विजय हुआ, उसी प्रकार से प्रार्थना करें कि आप भी विजय प्राप्त करें। इसी तरीके से पत्तियों को जलने से बचाएं, पत्तियां नहीं जलनी चाहिए। एक एक का सिक्का है, ते सभी दीप के
बगल में एक एक का सिक्का रखेंगे, ऐसे हम दीपावली पूजन में भी बताए हैं। तो इन 10 सिक्कों को ऐसे हम रख दे रहे हैं। समी वृक्ष महाराज के साथ साथ ये दीप पूजन भी हो रहा है। आप ध्यान से देखें कि आप इस दशमी में कैसे दीपों का पूजन और शनि जी का पूजन करेंगे। तो ये समी वृक्ष साक्षात देवता हैं। जैसे मैं देव वृक्षों को बताती हूँ, समी वृक्ष को घर में लगाने से सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहती है, विजय प्राप्त होती है। विजय में कई प्रकार का विजय होता है। विजय में जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पास होना, इंटरव्यू में पास होना, नौकरी में अच्छे तरीके से नौकरी करना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, तो ये सब बना रहता है। भगवान जी की पूजा विधिवत करनी चाहिए। यह है तिल, काला और सफ़ेद तिल ये है। तो सभी सिक्कों के पास रखेंगे काला और सफ़ेद तिल। आपको मैं दशमी पूजन बता रही हूँ, इसके पहले मैं दशमी पूजन आपसे नहीं बताई थी, अभी बता रही हूँ। तो ये तिल रखें, ये सभी सिक्कों के पास तिल रखें और समी वृक्ष को भी तिल से सींचे। ओम समी वृक्षाय नमः, ओम समी वृक्षाय नमः, ओम समी देवताय नमः, ओम समी देवताय नमः। ये है चावल जो कि हल्दी से रंगा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ डालेंगे सभी सिक्कों के पास जहाँ हम तिल डाले हैं। ये दे ऐसे, ओम शमी देवताय नमः, ओम शमी देवताय नमः, ओम शमी देवताय नमः। तो इस प्रकार से हम अक्षत भी डाल रहे हैं, ओम शमी देवताय नमः, ओम शमी देवताय नमः, ओम शमी देवताय नमः। ये देखिए ये लौंग है, ये फूल वाली लौंग। तो सभी सिक्कों के पास एक एक लौंग रखाएगा। ये मैं आपको दशमी पूजन करके दिखा रही हूँ। और डेली पूजन में समी जी को आप सिर्फ जल और दूध भी चढ़ा सकते हैं। तो सभी सिक्कों पर एक एक लौंग रखाएगी फूल वाली। सभी सिक्कों पर हम एक एक लौंग रख दे रहे हैं। आप भी दशमी पूजन ऐसा ही करें। और अगर आपको डेली पूजन करना है तो भगवान को जल पर्याप्त है, और शनिवार के दिन तिल के तेल का दीप दें। बीच में भी लौंग डाल दिए हैं। और ये है, आप देखोगे ये है रक्षा सूत्र। और ये देखिए ये गुलाल है। तो ये गुलाल सभी मतलब दीप के नाम से हम यहाँ डाल दे रहे हैं। ऐसे सब जगह थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये दीप को टीका के हिसाब से डाला जाता है कि हम दीप को तिलक कर रहे हैं। ओम शमी देवताय नमः, ओम शमी देवताय नमः, ओम शमी देवताय नमः। ये है पुष्पहार। ये तो ये हम देवता को चढ़ा दे रहे हैं ऐसे। और ये भी है पुष्प, देखिए चढ़ा देते हैं। ओम शमी देवताय नमः, पुष्पम समर्पयामि। सभी दीपों के लिए भी पुष्प दे दे रहे हैं। इसको वस्त्र के रूप में रक्षा सूत्र बोलते हैं। क्यों चढ़ाया जाता है? तो रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है देवी देवता को। वस्त्र चढ़ाते हैं तब भी रक्षा सूत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन रक्षा सूत्र वस्त्र के उपलक्ष में, यानी वस्त्र नहीं है तो रक्षा सूत्र चढ़ाया जाता है। ओम समी देवताय नमः, वस्त्रम समर्पयामि। चंदन का लेप भी लगाना चाहिए। ये सफ़ेद चंदन है तो इसका भी लेप लगाएंगे समी वृक्ष को। ओम चंदनम समर्पयामि, ओम चंदनम समर्पयामि, ओम चंदनम समर्पयामि। ये है श्रीफल। तो श्रीफल को शुद्ध कर लें पहले। तो हम इसमें गुलाल लगा देते हैं और उनको रक्षा सूत्र देकर अर्पण कर देते हैं देवता को। ओम समी वृक्षाय नमः, ओम श्री फलम समर्पयामि। ये है नैवेद्य। नैवेद्य यानी जो भी हम भोग लगाते हैं उसको नैवेद्य बोलते हैं, प्रसाद। तो ये है बर्फी, ये है सीताफल, ये है केदली फल, ये है सेव फल। तो हम इसको प्रक्षालन कर लेते हैं 3 बार
शुद्धिकरण हो जाएगा। भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिश्री भी चढ़ा सकते हैं देवता को, आपके पास जो भी है भोग लगा सकते हैं। ओम शमी देवताय नमो, शमी देवताय नमो, शमी देवताय नमो। केदली फलम समर्पयामि, मिष्टान समर्पयामि। देवता भोग स्वीकार करो, जय हो देवता भोग स्वीकार करो। फिर देवता को जल कुश से पिलाएंगे। ओम जलम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि। पान उपलब्ध नहीं है, पान नहीं मंगा पाए हैं, तो आप लोग पान मंगा लेना। तो दो सुपारी, इलायची और फूल वाली लौंग मुख शुद्धि के लिए भगवान को हम अर्पण करते हैं। ओम देवता मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची सुपारी स्वीकार करें, उसको दे देते हैं। समी वृक्ष देवाय तुम्हारी करु आरती प्रभु जी, समी वृक्ष देवाय तुम्हारी करु आरती प्रभु जी। छोटी सी आरती मैं गाई हूँ, पूरी आरती आप आगे सर्च करेंगे, पूरी आरती है। पूरी आरती गाऊंगी तो बड़ा हो जाएगा। तो ये है अक्षत, ये है पुष्प, ले लिए। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ का माहौल, आप देखें आसमान में अंधेरा हो गया है, और यही सही समय है समी वृक्ष जी का पूजन करने। वो चाहे पीपल वृक्ष महाराज हों, चाहे समी जी हों, उनका पूजन सूर्य के अनुपस्थिति में ही होता है, यानी सूर्य नहीं दिखना चाहिए शनि जी के पूजन में। समी वृक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं शनि देवता का। तो आप देखो कि माँ दुर्गा जी यहाँ बैठी हैं बगल में, उनका गाना चल रहा है, तब भी हम इसी समय संध्या काल में, प्रदोष काल में पूजन कर रहे हैं। और पूजा के बाद अक्षत और फूल लेकर, यानी जिसके यहाँ भी शनि का जो ये वृक्ष है या पौधा है रहता है, बहुत ही शुद्धता से रखें, और ये विजय प्राप्त कराते हैं। जिस भी प्रकार का विजय हो, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा है या झूठी कोई, ये सब लड़ाई में आता है, यानी पराजय नहीं होंगे, आपकी विजय होगी। मन से इनका पूजन करें, अंत में क्षमा प्रार्थना अच्छा तो फूल लेकर करें हाथ जोड़ के। ओम श्री समी देवताय नमो, ओम श्री समी देवताय नमो, ओम समी देवताय नमो। देवता प्रणाम स्वीकार करें। हमने आपका यथाशक्ति पूजन किया है और दीप दान किया है, आरती किया है, नैवेद्य अर्पण किया है। जो भी आपको हम अर्पण किए हैं, जो भी इसमें अशुद्धता हो, अनियमितता हो, जो भी कुछ हो इसमें, भूल चूक को क्षमा करें, हमारे पूजन को स्वीकार करें, और हम आपके दास हैं ऐसा सोच के हमारी सभी भूलों को क्षमा करके आप अपने शरण में लेके हमारे ऊपर जो भी संकट है उसको दूर करके सभी प्रकार की विजय, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ओम शमी देवताय नमः, ओम शमी देवताय नमः, ओम शमी देवताय नमः। तो मैं आपको समी पूजन विजयादशमी के उपलक्ष्य में करके दिखाई हूँ, तो आप ऐसे ही विजयादशमी पर पूजन करें। और समी वृक्ष अगर आपके पास है, पौधा है, तो रोज़ इनमें जल डालें, और हो सके तो रोज़ संध्या को छोटा सा ही सही दो बत्ती वाला तिल के तेल का दीप जलाएं, और पत्तियों को जलने से बचाएं, थोड़ा दूर रखें, देखिए काफ़ी दूर है दीपक। तो ऐसे ही पूजा आप करें, और आप ध्यान दें कि कभी भी जिस दिन जिस वृक्ष का पौधा का पूजन होता है, उस दिन उनकी पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है, और अगर पत्तियां गिरी हैं तो उनको उठा के और लाल कपड़े में बांध के अपने पास घर में रखें, उससे भी विजय की और श्री की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन जब आप पूजा करते रहें तब, और शनिवार के दिन भी। उसके अलावा जैसे शिव जी को आपको चढ़ाना है, और कभी भी समी वृक्ष को या किसी भी देव वृक्ष को बिना नहाए न छुएं, न उनकी पत्तियां तोड़ें। शिव जी को चढ़ाने के लिए पत्ती तोड़ रहे हैं तो प्रणाम करें पहले, फिर बोलें कि शिव जी को आपके पत्र को या फूल को अर्पण करेंगे, तो उनको शुद्ध हाथ से तोड़ें। ध्यान रखें कि कभी भी पत्र को तोड़ के या फूल को तोड़ के एक हाथ से तोड़ के दूसरे हाथ में नहीं रखना चाहिए, वो भी अशुद्ध माना जाता है। एक हाथ से तोड़ के किसी पात्र में, इसलिए डोलची पीतल की या बांस की बनी रहती है, उसमें रखा जाता है। तो आपको इसी तरह के वीडियो, यानी अभी जो आंवला नवमी आने वाली है, उसमें हम आंवले के वृक्ष का पूजन करके भी विधिवत आपको दिखाना चाहेंगे। करवा चौथ का वीडियो देंगे, तो सभी वीडियो आपको देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जब वीडियो डालते हैं तो उसमें कई कमेंट ऐसे आते हैं कि आपका वीडियो बहुत दिनों के बाद आया, तो लगता है आप सब्सक्राइब नहीं करें हैं और बेल आइकन का बटन को च्वाइस नहीं किए हैं, तो आपको ऐसे ही वीडियो देंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।